हेलो हाय नमस्ते सबुते मेर प्रणाम और आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे ठीक है मज़े में हैं और स्वस्थ हो गए हैं बच्चे। तो यहाँ पे मेरे बच्चे स्वस्थ होने का क्या फ़ायदा उठा रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मिस्टर प्रीत सिंह रावत कर रहे हैं झाड़ू क्योंकि इन्होंने अभी नमकीन खाई और पूरा गंद मचा रखी है नीचे, इसमें अभी पता नहीं चल रहा। ये देखो मैंने इनको धमकी दी है अगर ये साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो मैं इनकी वीडियो वायरल कर दूंगी, जो कि मैं कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरा कहना माना है। और ये देखो मैंने जैसे ही कैमरा खोला तो इनका शुरू हो गया, इन्होंने पूरे दोनों ने मिलके ऐसी गंद मचा रखी है घर में कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है दोस्तों। आपको ये देखो दोस्तों ये छोटू की कलाकारी है, देख रहे हैं आप क्या करते हैं ये लगाओ रे मेरे जवानों लगाओ। ये देखो अब बड़े होके इन्होंने अब मेरी ऐसी मदद करनी है। और मैंने ना फ़ोन चार्जिंग पे लगा रखा है क्योंकि बैटरी नहीं है इसलिए। और आज इतना सुबह इतना अच्छा मौसम और ठंडी हवा चल रही थी, मतलब इतनी भी ठंडी नहीं पर चल रही थी अच्छी हवा। और बारिश वाला मौसम तो होता था कि आएगा कि नहीं आएगी बारिश, पर अच्छा मौसम हो रखा था। और अभी हल्की धूप आने लग गई है और हल्के हल्के छींटे भी पड़े थे तो अच्छा मौसम हो रखा है, आज इतना गर्मी नहीं लगी है। पर मेरे बच्चे फिर भी कूलर चलाते हैं। प्रीत सिंह रावत हो गया तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दिन के 4:30 और मैं आपको दिखाती हूँ, आज मैं दिखाने जा रही हूँ जैसे कि पहले बताया मैं अपनी शाम से लेके रात की दिनचर्या। प्रीत आवाज कम करो, कुकू को देखो, कुकू बाहर आ, कुकू कोको कूलर के पीछे छुपा है उसने, देखो क्या किया है यहाँ पे। अभी मैंने झाड़ू लगाया और अभी ये देखो पूरा अनार का क्या करा लड़के ने, क्यों करा तूने ऐसे? हाँ ये बहुत शैतान हो गया लड़का, खुद ही झाड़ू लेकर आया कि मैं झाड़ू लगाऊंगा और भाग गया। यहाँ पे मैं अनार छिल रही थी और इन्होंने ऐसे काम कर दिए छोटे ने, तो देख रहे हैं कितने शैतान हैं, कैसे मैं इनके साथ काम करती हूँ, कैसे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। बहुत मुश्किल होता है तो सैटरडे संडे इसके पापा रहते हैं ना तभी मैं बना पाती हूँ ब्लॉग, बनाने का तो मन करता है पर नहीं बना पाती हूँ। दोस्तों अभी मैंने पोछा लगा दिया है, कुकू ने इतना गंदा कर रखा था ना, अनार खाए उन्होंने नमकीन खाने के बाद पूरा नीचे दाग दाग लगा रखे थे। हाँ साफ देखो आप कर दिया ना मैंने साफ, टाइल्स का कलर ऐसा है इसलिए आपको गंदा लग रहा है और व्हाइट टाइल्स में बड़ी दिक्कत होती है, इसका हजरत और व्हाइट टाइल्स में ना बहुत जल्दी गंदगी दिखती है। और अभी मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं और यहाँ पे कुकू सोया था तो इसने पूरे यहाँ पे तकिया चादर फैला रखा है। और ये देखो फोल्ड करो, हाँ मेरी बांदा। और ये देखो कुकू अपने हाथ दिखाओ, साफ 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 तो है पर ये देखो शो मी योर नेल्स, ये देखो मम्मा की लड़की है ये लड़की, पैरों को भी दिखाओ छोना छोना, ये देखो इसकी पैर और नेल्स ऐसे करके दिखा दो, ये देखो कितना शौक है इसको नेल पेंट लगाने का खोज खाज के निकाल के ले आता है जहाँ से भी, और नहीं मिलता ना तो रोने लगता है कि नेल पेंट की मेरी नेल पेंट निकल गई है। मैं फिलहाल बातें कम करते हुए काम करती हूँ शुरू अभी धूप आ गई है, कुकू फिर से गंदगी फैला रहा है, साफ सफाई मैंने कर दी है जो कि ऐसे नहीं रहेगा, ये बेडशीट मुझे धोनी है फिर से। कुकू क्यों कर रहे हो गंदगी? मैंने दो तीन सुबह मैंने दो बार झाड़ू लगाया, फिर अभी शाम को दो बार, चार बार लग गया, अभी एक बार और रात में लगेगा और तीन बार झाड़ू पोछा हो, चार बार झाड़ू पोछा हो ही गया है। और ये कृत इंजॉय कर रहे हैं, टीवी के मजे ले रहे हैं, कोई पढ़ने से मतलब नहीं। तो अभी बज रहे हैं 5 और अब मैंने जैसे सफाई कर दी है मैं जाऊंगी बर्तन धोने, दिन में हमने खाया था दाल चावल तो उसके बर्तन पड़े और बीच में छोटे छोटे नमकीन के इतने सारे बर्तन हो जाते हैं तो वो धोऊंगी और फिर चाय पीऊँगी या कॉफ़ी या ग्रीन टी, फिर उसके बाद हम जाएंगे पार्क। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ किचन की ओर, ये जला दी मैंने लाइट और अभी बहुत सारे सिंक में बर्तन ही बर्तन बर्तन ही बर्तन तो उनको निपटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको।
दोस्तों अभी मैंने बर्तन वगैरह धो दिए, किचन वगैरह भी साफ कर दिया है और यहाँ पे मैं पी रही हूँ छाछ जो कि कल की लाई हुई थी और भूल गई थी और लगभग 5:30 हो गए हैं और मैंने बोला ख़राब ना हो जाए, ओवरडेट हो जाएगी तो, और बाहर निकाल के रख दी थी तो अब मैं पी रही हूँ क्योंकि गर्मी लग रही है, प्यास भी बहुत लग रही है। और चलिए इंजॉय करती हूँ मैं अपनी छाछ को। और यहाँ पे कुकू को देखना है, झलके ना आए, ये बन गए खुशी, वेट वेट बन गए। ऐसे करके ले जाने पड़ेंगे मुझे इनके लिए। चलो ये कुकू और शिवी का पॉपकॉर्न लो शिवी, और ये क्या क्या कुकू तूने यहाँ पे, मैंने अभी सही किया तो तूने फिर से गंदा कर दिया शैतान, सारे कुशन एक जगह इकट्ठे कर दिए। वेट व्हाट है, अभी तो तू मना कर रहा था कि मुझे नहीं खाना है। हाँ नौटंकी, कुकू कहाँ बैठोगे, वहाँ बैठ भी बैठो। और अभी टाइम है 6:30 तक जाऊँगी क्योंकि उजाला बहुत है ना और कपड़े चेंज करने, पसीना पसीना हो गया किचन में, तो फिर इस बीच में मैं अपने लिए चाय या कॉफ़ी बना दूँगी। बार बार बोल रही हूँ अभी तक नहीं बनाई, पर आज पीने का मन है क्योंकि आज मौसम ठीक है ना, इस वजह से। तो अभी पार्क जाने से पहले ना इन लड़कों को भूख लग गई और मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। ये देखो तैयार करके बैठ रखे मेरे चंगू मंगू और मैं भी पी रही हूँ चाय बिस्किट के साथ। इनको पर घर पर रखे ना ऐसे ही रहता है भूख लगी, और स्कूल में भाई साहब को भूख नहीं लगती और घर पर भूख लगती रहती है। तो फिर मैंने बोला चलो क्योंकि मैं चाय पीती हूँ ना तो ये कुकू भी बोलता है मुझे चाय बिस्किट खाना, तो मैं भी फटाफट से पीती हूँ। और टाइम हो गया 6:30 और मेरी सारी फ्रेंड ना वेट कर रही होंगी। ये देखो इनकी पलटन, ए तू तो आ नहीं रहा था है? मना करते रहता है मुझे नहीं जाना, और यहाँ पे देखो कितने शैतानी कर रहे हैं। हाय कर दो ये देखो इनके जंपिंग। अच्छा मुक्का मुक्का वाला गेम नहीं खेलना, मिट्टू 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 पकड़े 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 भाग गई। इसकी मम्मा ने इसको टकलू कर दिया, ये देखो टकलू कर दिया। कहाँ गई बाल, चूहा ले गया। आए नूडल नूडल कैसे लग रहा है स्कूल, ये क्या किया तूने अपना हाथ नीला नीला, आज एक्टिविटी करवाई मैम ने। कुछ बनाते हैं। क्या बनाया था, सूरज बनाया था इससे, वाह। तो अभी हम आ गए हैं घूम घाम के पार्क से, कुक्रेज अपनी पैंट चेंज करना, पैंट गंदी है नहीं। और इनके कपड़े चेंज करती हूँ, कितने बार मेरे ना इतने कपड़े हो जाते हैं इनके दिन से, 3-4 जोड़ी। कुकू तो इतना ज्यादा गीले कर, कुकू इधर देखो, हाय नहीं किया आपने, हाय करो। तो अभी आए हैं तो पानी पी रहे हैं और मैं ग्रीन टी पीऊंगी, लगभग 7:30 होने, मच्छर होने लग जाते हैं, नहीं तो अभी भी आना नहीं था। कृत बोल रहा पहले तो जाएगा नहीं और फिर बाद में बोलता है मेरे को और खेलना था। तो अभी मैं ग्रीन टी बनाती हूँ, थोड़ा सा ये आधा एक घंटा आराम करेंगे, फिर ये 10 बजे आएंगे घर पे, तो मैं 8 बजे इसको पढ़ाऊँगी, 1 घंटा 9 बजे तक, फिर मैं खाना बनाऊँगी साथ साथ में। बस अभी इसको पूजा करूँगी, मुँह हाथ धो लिया है मैंने, कपड़े चेंज करके पूजा करके फिर मैं कृत को पढ़ाती हूँ और फिर खाना बनाऊँगी साथ साथ में। वीडियो के अंदर लाइक सब्सक्राइब और नीचे कमेंट डाउन बिलो भी कर लिया प्लीज़ कर लिया करो, मेरा बच्चा रोज़ कहता है बच्चे के नाम से, अगर जिसने नहीं किया तो तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ। यहाँ पे शिवी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है और ये देखो टाइम पास कर रहा है। कुकू ये क्या है, ये नहीं, कुकू का मूड नहीं है, कुकू बहुत डिस्टर्ब करता है, भैया को पढ़ने नहीं देता, अभी तो शांत बैठा है, नहीं तो उसकी पेंसिल वेंसिल लेके भाग जाता है। दोस्तों अभी हो रहे हैं रात के 9 बज गए लगभग, कृत का काम भी हो गया, पढ़ाई हो गई है उसकी,
तो अभी मैंने ना उनके लिए ना खाना भी बना दिया, और यहाँ पे मैंने जैसे कि पनीर बना दी है, ये पनीर दो प्याजा है, कलर इसमें अजीब सा आ रहा है, और ये खीर है, कुकू महाशय को खीर खानी थी तो दिन के जो चावल बचे थे मैंने उसी की खीर बनाई है, और रोटियाँ उनके लिए मैंने बना दी है अभी, ये रही गर्मा गर्म, तो बच्चों को मैं देती हूँ अभी, और जब प्रीत के पापा आएंगे तो मैं तब दूंगी। और वैसे तो मैं अभी खा ही लूँगी क्योंकि मुझे भी भूख लग जाती है, और टाइम से खाना ठीक होता है, वैसे भी 9 बज गए पर 8 बजे तक खा लेना चाहिए, फिर भी लेट हो जाते हैं क्योंकि प्रीत के पापा की शिफ्ट ही ऐसी है, और बच्चों को भी सुलाना है ना तो ये बोलते हैं कि इनको जल्दी खिला के फिर सुला दिया कर मेरे आने तक, पर ये सोते थोड़ी जब तक पापा नहीं आते। तो चलिए आज मैं बच्चों को खाना देती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। यहाँ मैंने कृत को सुलाने के लिए बैठा दिया तो ना कुकू भी उठ के बैठ गया है, लग रहे हैं कृत के पापा आ गए हैं और खाना वाना खा के, और ये मैं यहाँ पे काम कर रहे हैं मजे से बोल रहे मुझे मत दिखा। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं मेरी रूटीन शाम से रात की, तो कुकू माशे उठ के बैठ गया है, मैं 9 बजे सोया और शिवी के टाइम सोने के टाइम उठ गया, और दोनों कर रहे हैं बहुत मस्ती में पिटाई करने वाले उनकी, और अभी मुझे बर्तन धोने हैं, वो आवाज़ आ रही है, और ना मैंने सुबह की यहाँ पर मैंने भिंडी काट दी थी पहले ही कृत को पढ़ाते पढ़ाते, और अभी मुझे बर्तन क्लीन करना है, जब तक ये सोएंगे नहीं तब तक मैं करूँगी नहीं, क्योंकि ना ये मुझे करने नहीं देंगे, बार बार उठ के इधर आ जाते हैं, तो अभी पहले मैं उनको सुला के आती हूँ क्योंकि कृत को सुबह स्कूल जाना होता है तो उठता नहीं है। ये देखो दोस्तों, ये लड़का 9 बजे सोया और अपने पापा की आवाज़ सुन के आ गया, देखो बाप रे बाप रे। चल शिवी, शिवी चल जा सो जा, हाँ दवाई खिला दो, चलो हाँ कुकू को दवाई खिलाती हूँ, जो सोएगा नहीं ना उसको दवाई खिला, चलो अंदर हाँ जाओ जाओ। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और कुकू और शिवी सो गए हैं, कुकू तो बर्तन जैसे किए हैं सारे, और इनको मैं सुबह रखूँगी, गैस असले भी मैंने साफ़ कर दिया है, और अब मैं भी जा रही हूँ सोने, और कृत के पापा कर रहे हैं वहाँ काम कुट्टी के ऊपर कुट्टी रख के तो ये तो काम करते रहेंगे लगभग 12 बजे तक, आजकल इनका घर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है तो घर पर भी काम करते हैं आगे ऑफिस से। तो बस जैसे कि देखा आपने मेरा रूटीन, तो मैंने आपको कोशिश करी अपनी सारी रूटीन, मोस्टली मतलब ऐसी होती है जब तबीयत ठीक नहीं होती है, मन नहीं करता तो मैं स्किप भी कर देती हूँ कई सारी चीज़ें, तो बट मोस्टली मेरी ऐसी रूटीन होती है मेरे चंगू मंगू के साथ, तो यही था। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी रूटीन, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को क्या करना है आपको पता है, लाइक करना है, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और भी लोग मेरे से जुड़ सके। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।